हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भारी बारिश की वजह से मुंबई में भी हमने देखा हाई टाइड की भी आशंकाएं आज जताई गई हैं। और साथ ही आपको बता दें, कल रात से ही बारिश यहां पर हो रही है। चार अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंधेरी सबवे मुंबई की, इसके अलावा मरीन ड्राइव ठाणे की तस्वीर और नागपुर की। नागपुर में भी आप देखिए किस तरह से घरों के भीतर पानी पहुंच गया है। ड्राइंग रूम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोफा तक पानी में पहुंच चुका है। तो ये फिलहाल स्थिति है। इन चार तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, मुंबई में आज हाई टाइड भी आनी है, समंदर में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट है। अंधेरी सबवे में भारी बारिश के बाद पानी यहाँ पर भर गया था, जिसके चलते इसे घंटे तक, काफ़ी घंटों तक बंद कर दिया गया था, फिलहाल इसे खोल दिया गया है। ठाणे की बात करें तो भारी बारिश के चलते जनजीवन पर इस असर साफ तौर पर दिख रहा है और कई इलाकों में यहाँ पर पानी भर गया है। नागपुर में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन पर असर है। आज कलेक्ट्रेट ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। और मुंबई और पड़ोसी जिले पालघर में आज बारिश का येलो अलर्ट है। मुंबई में रात भर बरसात हुई और सुबह से ही बारिश का दौर यहां पर जारी है। इसके अलावा समंदर में हाई टाइड का वक्त करीब 11:30 बजे, यानी अब से करीब आधे घंटे बाद यहां पर समंदर में हाई टाइड की आशंका है। 4 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ हैं मुंबई से, सीधा उनका रुख करते हैं सुजाता द्विवेदी का। सुजाता, फिलहाल बारिश जो रात भर हुई है मुंबई में, अभी क्या हालात हैं और आधे घंटे बाद हाई टाइड भी बताई जा रही है, बताएं आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, और देखिए खासतौर पर मुंबई में बीती रात से ही भारी बारिश देखने मिल रही है और अभी फिलहाल भी मुंबई में हालांकि येलो अलर्ट जारी है, लेकिन उसके बावजूद भारी बारिश जो है वो अभी भी हो रही है मुंबई के, और साथ ही मुंबई उपनगर के तमाम इलाकों में। मैं इस समय बांद्रा वर्ली सीलिंग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऊंची लहरें हैं वो धीरे धीरे उठना शुरू हो चुकी हैं और 11:30 का समय है जब लगभग 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठने वाली हैं समुद्र में, जिसके चलते एक और जहाँ तमाम इन समुद्री क्षेत्रों के आसपास लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते मुंबई का अंधेरी सबवे और सबवे और मलाड सबवे, जहां पर अक्सर जलजमाव देखने मिलता है, उसे भी बंद कर दिया गया है। और ऐसे में आज मुंबई में एक और जहां येलो अलर्ट है, साथ ही ठाणे और भिवंडी जैसे इलाकों में भी भारी बरसात हालांकि रात से ही हो रही है, लेकिन येलो अलर्ट ही IMD द्वारा इस समय बताया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि आज पूरे दिन बरसात का क्या रुख रहता है। हालांकि अगर आप देखें तो बांद्रा वर्ली सीलिंग पर हालांकि इस समय बारिश तो हो रही है रिमझिम झिमझिम, लेकिन सुबह से जो है किसी भी प्रकार की समस्या कहीं पर भी अब तक रिपोर्ट नहीं की गई है। सिर्फ भारी बारिश और जल जमाव जैसी स्थिति के चलते जो है लोगों को थोड़ी बहुत यातायात में तकलीफ हुई है, लेकिन उसको भी उस इशू को भी रिजॉल्व करने के लिए इस समय BMC काम कर रही है। तो ऐसे में आज एक और जहां अंधेरी सबवे पिछले कुछ घंटों से बंद है, वहीं दूसरी ओर मुंबई का जुहू बीच और मरीन ड्राइव बैंड स्टैंड जैसे इलाकों पर भी लोगों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ताकि लोग समुद्र किनारे जहां पर अक्सर ऊंची लहरें उठती हैं और खासतौर पर 11:30 बजे का समय जब ऊंची लहरें उठने वाली है उस समय वो समुद्र के किनारे ना जाए, जिससे किसी भी प्रकार की हानि जनजीवन को ना हो। जी सुजाता, इसके अलावा क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है, आपसे समझना चाह रहे हैं यातायात की स्थिति क्या है, और क्योंकि ये मुंबई की लाइफलाइन लोकल मानी जाती है तो वहाँ स्थिति सामान्य है अभी? बिल्कुल, देखिए मुंबई की अगर हम लोकल की बात करें तो मुंबई में अक्सर जब थोड़ी सी भी बरसात होती है तो जो तीनों लाइन है सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर, तीनों ही लाइन कहीं ना कहीं उन पर ट्रेन जो है वो देरी से चलना शुरू कर जाती है। और सुबह से जिस प्रकार की बारिश हो रही है बीती रात से ही, जिसके चलते मुंबई के तमाम 3 लाइन्स पे जो है ट्रेन 10 से 15 मिनट की देरी पर चल रही है, वहीं दूसरी ओर जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम देखने मिला, जिससे लोग लगभग आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे नजर आए।
गया। हालांकि इस समय बारिश क्योंकि रुकी हुई है तो कोशिश की जा रही है ट्रैफिक के पुलिस द्वारा कि जल्द से जल्द ट्रैफिक को क्लियर किया जाए और ताकि लोग अपने दफ्तर की ओर बढ़ सके। हालांकि आज एक और जहां वीकेंड है, लोग बरसात का लुत्फ ज़रूर उठाते हुए नजर आ रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर वर्किंग सैटरडे होने के चलते लोग अपने घर से बाहर निकल जब दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं, भारी बारिश के चलते दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस द्वारा ताकि इस ट्रैफिक को क्लियर कर जो है लोग सुखपूर्वक अपने दफ्तर पहुंच सके। जी जी सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोग थोड़ा एहतियात भी बरते हैं क्योंकि अब से आधे घंटे बाद समंदर में हाई टाइड 4 मीटर ऊंची आ सकती है। ऐसे में तमाम एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं मुंबई में, जहां चाहे जुहू का इलाका हो, बैंड स्टैंड हो, बांद्रा हो, मरीन ड्राइव हो। सुजाता ये तमाम जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं, मुंबई से सटे ठाणे की बात करते हैं। रात भर से हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है और यहाँ पर वन्ना बस डिपो, मेन मार्केट, कोलीवाड़ा के पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने नागरिकों को केवल जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी है। साफ सफाई तो अभी एकदम क्लियर करते हैं, लेकिन पानी क्यों भरते हैं इधर वही समझ में नहीं आता हमको। वो तो सीएनसी वाले देखना चाहिए ना क्यों भर रहा है, किधर किधर प्रॉब्लम है। साफ सफाई तो क्लियर किया है ये साल में, पिछले साल में भी किया, फिर भी पानी भरते ही है। क्यों भरते हैं, किधर से भरते हैं, अपने को भी मानना है किधर अटकते हैं पानी, किधर वो करना चाहिए थोड़ा बहुत और थोड़ा अच्छी तरह करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और वहीं भिवंडी में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी जमा होने लगा है और सब्जी बाजार के 3 बत्ती इलाके में घुटनों तक पानी यहां पर जमा हो चुका है। शहर के कई निचले इलाकों में भी पानी जमा होने लगा है। तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और भारी बारिश के चलते जो नागपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी सब कुछ पानी पानी हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। नागपुर में जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए आज नागपुर कलेक्टर ने जिले के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि नागपुर हवाई अड्डे पर उड़ानें फिलहाल जो है वो प्रभावित नहीं हुई हैं। पूरा अनाज खराब हो गया, पूरा पानी भर गया, पूरे बिस्तर गीले हो गए, पूरी सब तरफ से खराबी है। ऊपर से वो गटर लाइन से लैटरिन से पूरा पानी आ रहा है बाहर, बहुत परेशानी है। और ये रोड का काम जो हुआ है वो बराबर नहीं होने से भी घर के अंदर पानी गया है पूरा। सब घर में पानी घुसा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह, खाने पीने की चीजें वगैरह सब खराब हो गई है। घर में करंट वगैरह आया है और बाकी सब बिस्तर सब गीले हो गए, सोफा इलेक्ट्रिक वगैरह सब चीजें खराब हो गई है। और इस वक्त नागपुर से हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ पर हमने सुना लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, फिलहाल स्थिति क्या है नागपुर के अलग अलग इलाकों की? जी बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं हम नागपुर के अहम चौराहे पर खड़े हैं, पंचशील चौराहा इसे कहा जाता है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ भारी जल भराव आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ अगर नज़ारा दिखा सकें तो ये वो सड़क है जो धंतोली इलाके से आती है और वो इस चौराहे में, और वहाँ पर पूरा पानी भरा है और पूरे पानी से गाड़ियाँ जा रही हैं वाहन, और इसके चारों तरफ पानी है, सड़क पूरी पानी में भरी हुई है। हर तरफ जहाँ जहाँ देखा जाए पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जैसे आप बता रही थी नागपुर के मानेवाड़ा इलाके में सड़कों का काम जारी है, तो सड़कें खुदी हुई हैं, तो लोगों के घरों में और निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी घुस आया है। घर के अंदर जो भीतर फर्नीचर हैं, तमाम तरह की चीज़ें वो पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। लोग खासे नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह से पूर्वी विदर्भ में पिछले 24 घंटों में 250 मिलीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा हुई है, और भी दिन भर अतिवृष्टि का अंदाज जताया है हवामान विभाग ने, तो आज दिन भर यही अफरा तफरी का माहौल पूर्वी विदर्भ के खासतौर पर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा और पश्चिमी विदर्भ का यवतमाल, इन जिलों में खासी मशक्कत लोगों को करनी पड़ रही है और प्रशासन ने भी एहतियात के निर्देश दिए हैं कई जगहों पर स्कूलों को बंद करने का। नागपुर एयरपोर्ट का क्या हाल है, क्या फ्लाइट्स भी वहाँ उन पर भी असर हुआ है?
जी हमने थोड़ी देर पहले नागपुर एयरपोर्ट की अथॉरिटी से बात करी, MIPL जो है जो नागपुर का एयरपोर्ट संचालित करता है, उनके अधिकारियों ने हमें बताया कि अधिकतर आधा या पौन घंटा देरी से विमान की उड़ानें चल रही हैं, लेकिन अभी तक शेड्यूल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और वहाँ का हाल बयां करने के लिए।